अस्सलाम वालेकुम माय वाईटी फैमिली, आप लोगों के लिए एक बहुत बेहतरीन व्लॉग लेकर मैं आ गई हूँ। लास्ट सैटरडे नाइट हम लोगों ने जो है वो बारबेक्यू पार्टी रखी थी, तो मैंने कहा कि आप लोगों से अपना एक पर्सनल व्लॉग तो बीच में शेयर करना चाहिए। ईद तो चली गई है, लेकिन ईद के जाते जाते हमने कहा एक बारबेक्यू पार्टी कर लेते हैं सब लोग मिलकर। फिर ये है कि सब लोग अपनी अपनी रूटीन में आ जाएंगे वापस से, सब लोग बिज़ी हो जाएंगे, सब अपने अपने कामों में लग जाएंगे, सबकी जॉब स्टार्ट हो जाएंगी। तो हमने कहा चलो उससे पहले जो है वो हम एक पार्टी अरेंज कर लेते हैं और उसमें सब लोग मिलके गेट टुगेदर कर लेते हैं, बना लेते हैं, खा लेते हैं, पी लेते हैं, इंजॉय कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को इतना सारा आटा नज़र आ रहा होगा, ये 2.5 किलो आटा था और इस 2.5 किलो आटे की हमने बनाई थी 50 to 60 पराठे, जो कि बहुत मज़े के बने थे और मैंने भी बनाए थे। इसमें जो है वो मेरा भी बराबर का हाथ शामिल है इन पराठों को बनाने में। बहुत मज़ा आया था, जब आप सब मिलकर काम करते हो तो बहुत मज़ा आता है और काम भी जो है वो जल्दी हो जाता है। तो मैंने और मेरी कज़न ने मिलकर जी ये पराठे बनाए थे और ये मेरी कज़न है, तो ये कैमरे के सामने खाने में हेजिटेट नहीं होती, तो उन्होंने कहा मुझे भी शूट कर लो, तो भाई मैंने इनको भी ले लिया थोड़ा सा। और जो है कि हम लोगों के पराठे बन रहे हैं अभी, जब तक मैं शूटिंग कर रही थी तो मैं अभी कुछ नहीं कर रही, लेकिन ये जितने भी आपको सामने पेड़े बने हुए नज़र आ रहे हैं वो मैंने ही बनाए हैं। और अभी देखें मैं आपके सामने थोड़ा बहुत अपना हाथ भी दिखा रही हूँ कि भाई मैं भी काम कर रही थी, तो इसमें मेरी भी पूरी पूरी मेहनत थी और बहुत टाइम लग गया था हमें और पसीने पसीने हो गए थे, तैयार हुए हुए थे बारबेक्यू पार्टी के लिए। लेकिन जब आप चूल्हे के आगे खड़े हो काम करो तो ज़ाहिर हालत भी टाइट हो जाती है, तो सबकी ही जो है वो पसीने से बुरा हाल था। लेकिन मज़ा आ रहा था, बातें करते जा रहे थे, बनाते जा रहे थे, इतना ज़्यादा पता नहीं चला था। तो जी ये तो पराठे तो हमने जो है वो नीचे किचन में ही बना लिए थे मिलकर, क्योंकि ऊपर जो है वो छत पर पराठों का अरेंजमेंट बनाने का नहीं हो पा रहा था, तो हमने कहा चलें ये किचन में ही बना लेते। लेकिन हम लोगों ने जो क्या कहते हैं बारबेक्यू के आइटम बनाए थे वो हमने ऊपर ही बनाए थे, वो मैं बताऊँगी आपको जब हम ऊपर छत पर जाएँगे, जब वहाँ का शूट हो रहा होगा तो वहीं चल कर बताऊँगी और दिखाऊँगी। तो ये मैंने कहा छोटे मोटे क्लिप्स बना लूँ ताकि आप लोगों को अपना पर्सनल व्लॉग भी कोई दिखाऊं, वीडियो दिखाऊं जिसमें जो है वो आप थोड़ा बहुत मेरी पर्सनल लाइफ भी देखें। कितनी बनी है? तो जी मेरी जॉब की जो है वो टाइम स्टार्ट होने वाला है मंडे से, तो मैंने कहा चले सैटरडे नाइट ही कर लेते हैं ताकि जो है वो सब लोग इंजॉय कर लें आराम से, और सब थे तो मज़ा भी आया था। तो जी यहाँ पे ये प्रोसेस चल रहा है और जब ये पूरे पराठे रेडी हो जाएंगे ना, तब मैंने एक छोटी सी स्नैप बनाई थी जो कि मैंने इस वीडियो में ऐड की है, वो भी मैं आपको दिखा दूँगी। पहले तो हम लोग हॉटपॉट में ही रख रहे थे, लेकिन फिर हॉटपॉट फुल हो गया था बना बना के पराठे, फिर हमने जो है वो एक बड़ा लिया था जिसमें जो है वो हमने सारे पराठे जो है वो रख दिए थे। आप लोग यहाँ देख सकते हैं और किस किस को पराठे पसंद है वो ज़रूर कॉमेंट्स में बताइएगा, फिर जब कभी मौका मिला तो आप लोग भी आइएगा पराठे खाने। तो यहाँ जी हमारे पराठे रेडी हो गए हैं, हाँ जी इसमें हमने रख लिए थे और ये देखें कितने मज़े के लग रहे हैं, गर्मा गर्म पराठे रेडी। फिर जी ये हमारी सिगड़ी जो है तैयार हो रही है, ज़ाहिर है बाजी किस पर बनता है, तो हमने कहा कोयलों को थोड़ा सा गर्म कर ले, जला ले, इस तरीके से कुछ करते हैं, तो वो करके हमने कहा कि वो अरेंज कर ले। तो ये यहाँ पे काम चल रहा था तो मैंने कहा थोड़ा बहुत ये भी शूट कर लूँ तो आप ये भी देख लें। तो ये जो ऊपर जाएगा सारा सामान छत पर, वहाँ जाके हम स्टार्ट करेंगे अपनी कुकिंग। चले जी हम छत पर पहुँच चुके हैं, यहाँ पे हमने जो है वो गानों वालों का इंतज़ाम भी किया हुआ था, आपको स्पीकर नज़र आ रहा होगा, तो जी स्पीकर भी लगाया हुआ था। बड़ा प्यारा मौसम हो रहा था और आप लोगों को बताऊँ बूंदाबांदी ही रुक ही नहीं रही थी, कंटिन्यू चल रही थी। तो हम लोगों ने जो है छत पर जहाँ पर पानी ना आ सके ऊपर दीवार थी उस तरफ जो है ये सारा सेटअप लगाया था ताकि इसमें पानी ना जाए, और हम सब लोग जो है वो खुले हुए थे और मैंने तो बहुत टाइम बाद बहुत अच्छे से नहाया था बारिश में, मुझे बहुत मज़ा आ रहा था बारिश में, और गाने वाने भी चल रहे थे और बारिश के ही सॉन्ग चल रहे थे ज़्यादातर, सब इन्जॉय कर रहे थे। तो जी यहाँ पर ये हमारी भाभी जी सीख कबाब लगा रही है सीखों में, हमने दो आइटम बनाए थे, तो सीख कबाब बनाए थे और दूसरा जो है वो हमने बोटियाँ बनाई थी, और ये दोनों चीज़ें जो है वो बीफ की ही थी। मसाला वगैरह आप लोगों को पता है कि 5-6 या 7-8 घंटे पहले लगा के रखते हैं, तो वो सारा अरेंजमेंट पहले कर लिया था। और यहाँ पे जो हमारा बारबेक्यू का जो है वो तैयारी हो चुकी है, एक बोटी की सीख और एक कबाब की सीख लग चुकी है, और अभी बनाते जाएंगे और लगाते जाएंगे।
और माशाल्लाह बहुत 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 अच्छे कबाब और बोटियाँ बनी थी, बहुत मज़े की बनी थी। मैं इतना ज़्यादा जो है वो ये बीफ और मटन लवर नहीं हूँ, ना मैं खाती हूँ, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, ना मैं खाती हूँ, लेकिन जी ये बारबेक्यू वाले आइटम जो है अच्छे बनते हैं, तो थोड़ा बहुत चखने में आ जाता, तो मैंने थोड़ा सा ये खाया था और मुझे पसंद आया था और अच्छे लगे थे, मज़े के बने थे। तो जी यहाँ पर ये प्रोसेस कंटिन्यू है और मैंने अच्छे से शूट किया था। सबसे जो मुश्किल काम होता है ना वो इनको ये हवा देना, मतलब आँख दिखाने वाला काम जो है ना वो सबसे मुश्किल होता है। इसमें जो भी इस काम पर होता है उस बेचारी की तो हालत टाइट हो जाती है। और फिर ये जो आप स्मोक देख रहे हैं जो निकल रहा है धुआं, तो जो है ना वो आँखों में एकदम जाता है और बस हालत हो रही होती है। लेकिन मज़ा आ रहा था, मौसम बहुत प्यारा, ठंडी ठंडी हवाएँ चल रही थी और बहुत प्यारा वेदर हो रहा था, तो बहुत मज़ा आ रहा था। तो जी ये प्रोसेस चल रहा है, आप सब लोग भी इसी तरीके से अपने घर में करते होंगे और इन्जॉय करते होंगे। और जिन्होंने अगर कल रात यानी सैटरडे नाइट किया था तो उनको तो बहुत ही मज़ा आया होगा, क्योंकि बारिश हो रही थी तो अच्छा लग रहा था। और जब तक हम ये बना रहे थे तब तक बारिश चल रही थी, रात में कोई जाके 12:30 बजे या 1 बजे आई थिंक बंद हुई थी। और उसके बाद फिर हम लोगों ने जो है वो सारा पानी वगैरह साफ करके छत पे वहीं पर ही जो है वो अपना जो सारी दरिया वगैरह बिछा के वहीं पर ही खाना खाया था सबने एक साथ मिलके ठंड में बैठ के, तो बड़ा मज़ा आया था एक साथ खाना खाने में। तो यहाँ पर ये प्रोसेस चल रहा है, बोटियाँ और कबाब होते जाएँगे और इनको जो है वो चीज़ निकालते जाएँगे। तो मेरे को जैसे जैसे टाइम मिल रहा था, क्योंकि मैं भी यहाँ पे बहुत सारा काम करवा रही थी, अभी तो मैं शूट कर रही हूँ, लेकिन मुझे जैसे जैसे टाइम मिल रहा था तो मैं अपने मोबाइल से शूट करती जा रही थी कि भाई मुझे अपनी वाइटी फैमिली को तो सब कुछ ज़रूर दिखाना है। तो ये नहीं कि मैंने कोई काम नहीं किया, बहुत सारा काम किया था, ऊपर से नीचे ले जाना लाना सामान, इसमें ही अच्छी खासी हालत हो जाती है। और फिर खाना टीके लगाना ये सारी चीज़ें भी होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोसेस चल रहा है और बड़ा मज़ा आ रहा था, बातें भी हो रही थी, छेड़ भी रहे थे सब लोग, कपड़े भी कह रहे थे मजे कर रहे थे, हम देखे बोलते थे यार जा रही है, मैंने कबाब तैयार होकर कपड़े भी हो गए। और जो हमारे घर के बड़े हैं जैसे कि नीचे थे तो उन्होंने जल्दी खाना खाते थे, हमें नहीं बनाते क्योंकि पराठे तो हमारे रेडी थे और ये सब रेडी हुआ था, ये सब हमने नीचे भेज दिया, तो उन्होंने वहाँ खा लिया था। स्पेशली बड़े लेडीज़ ने और जेंट्स ने, और बाकी जो थोड़े बहुत और बड़े होते हैं जैसे भाई भाभी वगैरह वो सब हमारे साथ ही थे, हमने सब मिलकर ही खाया था। और ऊपर खाया था बच्चा पार्टी में भी सब ने हमारे साथ मिलकर ही खाया था। तो पहले हमने यही दे दिया था, फिर हमने तो सारा डन करके फिर ही आराम से बैठ के खाया था। और काफ़ी सारा था, अच्छा खासा था, और बोटियाँ भी और ये बनाने में अच्छा खासा 3 से 4 घंटे लग जाते, क्योंकि क्वांटिटी बहुत 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 ज़्यादा थी, काफ़ी सारा तो बच भी गया था, इतना खाने में नहीं आया था क्योंकि बना बना के देर भर गया था, तो सब नहीं थोड़ा बहुत खाया था, तो कैसा बना अच्छा खासा टाइम लग गया था, काफ़ी सारी क्वान्टिटी थी। बहुत टाइम बाद हमने जो है वो इस तरीके से बारबेक्यू किया, क्योंकि लास्ट ईयर मुझे याद ही नहीं हुआ था, सबके ही जो है वो स्कूल वगैरह खुल गए थे और जॉब वगैरह स्टार्ट हो गई थी, तो छुट्टियाँ ख़त्म हो गई थी, तो इसका टाइम नहीं मिल सका था। लेकिन इस बार यही टाइम था तो हमने कहा चले कर लेते हैं इस दफ़ा। और अभी मैंने आपको दिखाऊँगी इसकी स्नैप बनाई थी बहुत अच्छी सी, वो आप देखिएगा वो देख के, ये देखें ये मैंने स्नैप बनाई थी, तो मैंने कहा था ये भी मैं अपनी वीडियो में डालूँगी, ये बहुत अच्छी बनी थी और कितना अच्छा लुक आ रहा है आप देख सकते हैं, ऐसे बड़ा मज़ा आता है। और सबको ही बहुत अच्छा लग रहा था, सबने एंजॉय किया, लेकिन सब के बाद थक भी बहुत ज़्यादा गए थे रात में सब लोग, किसी के पाँव में किसी के कहीं कहीं ना कहीं दर्द हो रहा था। तो बस यही मेरी आज की वीडियो थी, आई होप आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।